आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आप लिखा जे मेन्स के 12 जनवरी 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या कर रहा है कि एक्स अपने वन से बड़ा होना चाहिए इफ टू एक्स की पावर में अपने टू वाई दे रखा है इक्वल टू फोर ई की पावर में अपने टू एक्स माइनस टू वाई दे रखा है देन वन प्लस लॉग ई टू एक्स का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू अपने इसका वैल्यू किसके बराबर होगा इन सारे ऑप्शन में से अपने सेलेक्ट करने। तो चलिए सबसे पहले अपने आइडेंटिटी क्या दे रखा है, तो टू एक्स इनकी पावर में अपने दे रखा है टू वाई के बराबर और इक्वल टू अपने किसके बराबर, तो फोर इंटू ई की पावर में टू एक्स और माइनस टाइम्स टू वाई के बराबर। अब क्या कीजिए, अगर आप गौर से देखते हो तो इधर भी एल एन ई है, इधर भी एल एन ई है, इधर भी एल एन ई, तो हमें कोई सपना नहीं आ रहा है कि बहुत सारे अपने के पास एल एन ई बेस ई लगा करके अपने के पास दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं। यहां पर देखिए ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो लॉग में ही है, तो बोथ साइड अपने के पास एल एन ई लगा दीजिए। क्या है अपने के पास एल एन, जैसे ही एल एन लगाएंगे तो ये अपने किस तरह के एल एन टू एक्स इन पूरी की पावर में अपने टू वाई इक्वल टू आ गया अपने एल एन फोर इंटू ई की पावर में टू एक्स माइनस टाइम्स टू वाई। हम एक दो स्टेप स्किप कर रहे हैं और बता के स्किप कर रहे हैं कौन सा स्टेप, तो ये अपने टू वाई डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, तो टू वाई इंटू एल एन टू एक्स के बराबर बराबर और इक्वल टू अपने जैसे ही इसमें स्किप करेंगे ये स्टेप लगाएंगे तो अपने किस पर आ जाएंगे एल एन एम प्लस एन, तो ये अपने किस पर आ जाएगा एल एन फोर के बराबर और प्लस टाइम्स जैसे एम प्लस एन, तो जैसे एल एन ई की पावर में टू एक्स माइनस टू वाई, तो ये आगे अपने किस बराबर टू एक्स माइनस टू वाई डायरेक्ट आ जाएंगे क्योंकि एल एन ई की पावर में समथिंग, तो ये डायरेक्ट बाहर आएगा एल एन ई अपने इसके अंदर छुप जाएगा। अब अपने का इसके बराबर आ गया, अगर कुछ और अगर कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेकर के कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आगे अपने टू वाई एल एन टू एक्स के बराबर इक्वल टू इसको लिख सकते हैं टू एल एन टू और प्लस टाइम्स अपने का ये किसके बराबर जाएंगे, तो टू एल एन टू और प्लस टाइम्स अगर इसको सॉल्व करते हैं तो टू एक्स माइनस टाइम्स टू वाई के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो ये टू और ये टू कॉमन लेकर के इस टू से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी ये आ गया अपने पास वाई इंटू एल एन टू एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास एल एन टू और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो एक्स माइनस वाई के बराबर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए किसके रिस्पेक्ट में, तो यहां से अपने पास क्या कीजिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये अपने किसके बराबर जाएंगे, बताइए इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये अपने वाई का डिफरेंस वाई डैश एल एन टू एक्स के बराबर हाई आना और प्लस टाइम्स ये तो अपने वाई एज इट इज और इंटू एल एन एक्स का अपने डिफरेंसिएशन किसके बराबर, तो इंटू में अपने क्या आएगा वन अपॉन टू एक्स और इंटू टू एक्स का डिफरेंसिएशन टू के बराबर बराबर और इक्वल टू यहाँ से अपने इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये तो अपने आ जाएंगे जीरो प्लस टाइम्स वन माइनस टाइम्स वाई डैश के बराबर बराबर। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये टू और ये टू तो कैंसिल आउट हो गए, अब अपनी ये इनको इधर ले आइए, तो सारे को इधर ले आएंगे तो वाई डैश एल एन टू एक्स और माइनस टाइम्स अपनी किसके बराबर जाएंगे सॉरी प्लस टाइम्स वाई डैश के बराबर इक्वल टू आ गया वन माइनस वाई अपॉन एक्स के बराबर, ये हो जाएंगे ना वन माइनस वाई अपॉन एक्स के बराबर। एल एन टू तो अपनी कैंसिल आउट हो गए, चलिए बराबर, तो एल एन टू तो वन अपॉन टू एक्स, चलिए ये कैंसिल आउट हो गया तो वाई अपॉन एक्स के बराबर हो गया। अब यहाँ से सॉल्व कर लिए, तो ऐसे ही वाई डैश अगर कॉमन लेते हैं तो वन प्लस एल एन टू एक्स के बराबर ये हो जाएंगे इक्वल टू आ गया अपने पास एक्स माइनस वाई और अपॉन में एक्स के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, जैसे सॉल्व करेंगे अच्छा पूछ क्या रखा है अपनी ये भी तो देख लीजिए, पूछ रखा है अपने पास वन प्लस एल एन टू एक्स का होल स्क्वायर पूछ रखा है, वन प्लस एल एन टू एक्स का होल स्क्वायर, तो वन प्लस एल एन टू एक्स का होल स्क्वायर, अच्छा तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से अपने केस क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए वन प्लस एल एन टू एक्स, इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से अपने केस क्या आ जाएंगे वाई डैश, वाई डैश को क्या कीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स लिख लीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आगे अपने केस किस तरह वन प्लस एल एन टू एक्स इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू आगे अपने केस एक्स माइनस वाई और इन टू में अपने केस किस तरह आ जाएंगे, तो वन प्लस एल एन टू एक्स और अपॉन में अपने किस पर आ जाएंगे एक्स के बराबर और ये आंसर हो जाएंगे, यही अपने केस क्या आ जाएंगे आंसर। अब आंसर मैच कर लीजिए, आंसर में अपने केस क्या दे रखा है, तो एक्स एल एन टू ए माइनस टाइम्स एल एन ई के बराबर, ये अपने केस क्या दे रखा है कुछ तो गड़बड़ है दया, ऑप्शन मैच करवाने अपॉन में अपने केस एक्स के बराबर है, चलिए अपॉन में एक्स तो सही है, अंदर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएंगे एक्स प्लस एक्स एल एन टू एक्स के बराबर माइनस टाइम्स वाई और माइनस टाइम्स वाई एल एन टू एक्स के बराबर और अपॉन में अपने केस किसके बराबर जाएंगे, तो अपॉन में एक्स के बराबर बराबर। अब क्या करें अपने केस ऑप्शन मैच करवाने हैं, ऑप्शन अपने केस मैच नहीं हो रहे हैं, तो ये आ गया अपने केस अच्छा एल एन टू है, एल एन टू है तो एल एन टू अपने केस इधर से कहीं पर कुछ लिखा जा सकता है क्या, वाई इंटू एल एन टू एक्स, वाई इंटू एल एन टू एक्स कहीं पर आया है क्या,
वाई इंटू एल एन टू एक्स, वाई इंटू एल एन टू एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, अगर आप गौर से देखते हैं तो वाई इंटू एल एन टू एक्स की जगह ये पूरी क्वांटिटी लिख दीजिए, ये अपने क्या आ जाएंगे, ये आ गया वाई इंटू एल एन टू एक्स की जगह, यहाँ पर देख लीजिए, तो इरेज कर दीजिए थोड़ा सा, यहां से अपने y इंटू एल एन टू एक्स की जगह ये पूरी क्वांटिटी लिखा जा सकता है, क्योंकि अपने इसमें एल एन टू भी है, तो यहां से अपने इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने किसके बराबर, x प्लस एक्स एल एन टू एक्स और माइनस टाइम्स y, और माइनस टाइम्स y एल एन टू एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, तो y एल एन टू एक्स की जगह एल एन टू प्लस टाइम्स x माइनस y के बराबर, यह आ गया अपने किसके बराबर, एल एन टू प्लस टाइम्स y और माइनस x के बराबर, यही दे रखा है, देख लीजिए एक बार, तो यह आ गया x माइनस वाई के बराबर, x माइनस वाई के बराबर है, ना कि y माइनस x के बराबर, तो यह अपने क्या आ जाएंगे, x माइनस वाई के बराबर, तो यह आ गया x माइनस वाई के बराबर। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करें, और अपॉन में तो x आ ही रहा है, अपॉन में x, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह आ गया अपने क्या x प्लस एक्स एल एन टू एक्स माइनस टाइम्स y और माइनस टाइम्स एल एन टू और माइनस टाइम्स x और प्लस टाइम्स अपने क्या किसके बराबर आ जाएगा, y के बराबर, और अपॉन में यह आ गया होल अपॉन में x के बराबर। अब जो कैंसिल आउट है कैंसिल आउट कर लीजिए, y y कैंसिल आउट, x और x कैंसिल आउट हो गया, यानी यहाँ से आपने क्या आ जाएगा x ln 2x और माइनस टाइम्स ln 2 के बराबर और होल अपॉन में अपने क्या आ जाएंगे x के बराबर, यानी यहाँ से अपने क्या 1 प्लस ln 2x का होल स्क्वायर, 1 प्लस ln 2x का होल स्क्वायर और इनटू में अपने क्या आ जाएंगे dy अपॉन dx, इसका जो वैल्यू आ जाएंगे वो अपने क्या इसके बराबर आ जाएंगे। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में, तो x ln 2x माइनस टाइम्स ln 2, x ln 2x माइनस टाइम्स ln 2, x ln 2x माइनस टाइम्स ln 2 अपॉन में x, ऑप्शन नंबर ए ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे अपने क्या इनके करेक्ट आंसर। अच्छा माइनस प्लस का अंतर है, एक बार माइनस प्लस का अंतर देख लीजिए, डिफरेंस भी अपने क्या माइनस प्लस में है, तो x ln 2 हाँ माइनस ही टाइम्स दे रखा है, तो अपने क्या ऑप्शन नंबर ए ही क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास कौन से क्वेश्चन है, जेईई मेंस के 12th जनवरी 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और काफी आसान, देखिए प्लस और माइनस में ही अंतर देख रहे हैं, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस, कोई अपने यहाँ पर प्लस कर देता तो फिर लेने के देने पर जाते हैं, तो कैलकुलेशन थोड़े से अच्छे से कीजिएगा, तो ये अपने इसके बराबर जाएंगे, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें अपने थोड़े से घुमाया था, क्वेश्चन अधिक है, आंसर आने के बाद भी आंसर में घुमाया जा सकता है और ऐसा सिर्फ जादू मैथ्स में ही हो सकते हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं, और चैट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।